प्रिय छात्रों, बही खाता लेखा कर्म कक्षा 12वीं अध्याय 12 में हम अध्ययन करेंगे यहाँ रोकड़ प्रवाह विवरण। तो जैसा कि स्पष्ट है, रोकड़ प्रवाह और विवरण। रोकड़ से मतलब होता है कैश। अब यहां पर कैश जो है वो बैंक में भी हो सकता है, हस्तस्थ रोकड़ भी हो सकता है, या ऐसी संपत्तियां जो शीघ्र ही रोकड़ में परिवर्तित हो जाए, जैसे फिक्स डिपॉजिट वगैरह बैंक में जो जमा है, या ऐसी प्रतिभूतियां जो बहुत शीघ्रता के साथ शेयर्स वगैरह जो कि बहुत शीघ्र ही रोकड़ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो एक व्यवसाय में, जैसा कि हम जानते हैं कि रोकड़ जो है व्यवसाय में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिस प्रकार से एक मनुष्य के शरीर में रक्त दौड़ता है, ठीक उसी प्रकार से रोकड़ जो है व्यवसाय का क्या होता है, जीवन रक्त होता है। अब यहाँ पर व्यवसाय में जो है रोकड़ की स्थिति में क्या होते हैं, समय समय पर परिवर्तन होते हैं, जिसके लिए व्यवसाय में एक विशेष विवरण बनाया जाता है जिसे हम रोकड़ प्रवाह विवरण या रोकड़ बहाव विवरण कहते हैं। तो यहाँ पर अभी जो रोकड़ के बारे में बताया हमने कि एक व्यवसाय को संचालित करने का मुख्य जो स्रोत होता है, सूत्र जो होता है, वो रोकड़ होता है। रोकड़ यहाँ पर जो है कैश भी हो सकता है, बैंक में भी हो सकता है, या ऐसी कैश तुल्य अर्थात जिनको हम शीघ्रता से रोकड़ में परिवर्तित कर सकते हैं, वो रोकड़ आते हैं। तो यहाँ पर जो है व्यवसाय में रोकड़ की जो स्थिति होती है, कभी व्यवसाय में कैश अधिक होता है, कभी कैश कम होता है, कभी बैंक में अधिक होता है, कभी नहीं होता है, तो ये एक प्रकार का क्या होता रहता है, परिवर्तन। रोकड़ की स्थिति का क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। तो इसके लिए जो है व्यवसाय में हम एक विशेष विवरण बनाते हैं। अब दूसरा शब्द जो इसमें प्रवाह है, प्रवाह क्या है ये, अर्थात रोकड़ के आने की स्थिति और रोकड़ के जाने की स्थिति, मतलब कहां से किस प्रकार किन मदों से रोकड़ आ रहा है, कैश आ रहा है, और किन मदों में कैश जा रहा है, और विवरण मतलब स्टेटमेंट। तो यहां रोकड़ प्रवाह विवरण अर्थात कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो रोकड़ का आना और रोकड़ का जाना, ये हमें क्या बताता है, व्यवसाय में रोकड़ के प्रवाह के बारे में जानकारी प्रदान करता है, और ये जो बनाया जाता है वो कहलाता है रोकड़ प्रवाह विवरण। तो परिभाषा दी है यहाँ पर कि रोकड़ प्रवाह विवरण एक ऐसा विवरण है जो एक निश्चित लेखांकन अवधि में व्यवसाय के अंतर्गत रोकड़ के बहाव को बताता है। यहाँ जो है रोकड़ का अर्थ जो है रोकड़ कैश एवं रोकड़ तुल्य अल्पकालीन प्रतिभूतियों से है, अर्थात कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और ऐसा तुल्य अल्पकालीन जो प्रतिभूतियां हैं जो शीघ्र ही रोकड़ में परिवर्तित हो जाएंगी, वो भी रोकड़ के अंतर्गत आती हैं, जो कि दिया हुआ है हस्तस्थ रोकड़, बैंक में रोकड़ और ऐसी अल्पकालीन प्रतिभूतियां जो बिना किसी मूल्य हानि के शीघ्र ही रोकड़ में परिवर्तित हम उनको कर सकते हैं, तो वो है रोकड़ के अंतर्गत। और अब यहां पर जो है प्रवाह या बहाव का जो अर्थ है वो रोकड़ के व्यवसाय में आने व जाने से होता है, तो ये कहलाता है रोकड़ प्रवाह विवरण। और हम देखते हैं यहां पर कि रोकड़ का जो प्रवाह है इसके आने का और जाने का, ये व्यवसाय हो गया आपका, यहां पर जो है रोकड़ का हम उपयोग करते हैं, तो रोकड़ के जो आने के स्रोत हैं, रोकड़ जो आएगा, जिस माध्यम से रोकड़ हमें आ रहा है उसको हमने व्यवसाय में लगाया। अब ये व्यवसाय में जो लगाया तो रोकड़ के जो प्रयोग हैं अर्थात किन किन मदों में हमने उसको प्रयोग किया, तो ये कहलाता है रोकड़ का प्रवाह, अर्थात किन स्रोतों से रोकड़ आ रही है और किन स्रोतों में रोकड़ जा रही है। तो इस प्रकार से रोकड़ प्रवाह विवरण जो है एक ऐसा विवरण है जो व्यवसायिक संस्था में एक निश्चित अवधि के अंतर्गत अंदर व बाहर रोकड़ की गति को दिखाता है, अर्थात ये विवरण प्रकट करता है कि किन स्रोतों से व्यवसाय ने रोकड़ अर्जित की अर्थात प्राप्त की और किन मदों पर रोकड़ का प्रयोग किया है। इस प्रकार से रोकड़ का आगमन रोकड़ का स्रोत माना जाता है, जहां से रोकड़ आ रही है वो क्या हो गया, रोकड़ के स्रोत हो गए, जैसे बिक्री से प्राप्त आय हो गई, स्वयं की पूंजी हो गई, या जिन भी स्रोतों से रोकड़ यहाँ पर आ रही है वो रोकड़ के आगमन स्रोत हो गए।
फिर रोकड़ का जाना जो है वो रोकड़ का प्रयोग कहलाता है। जहां भी हमने प्रयोग किया रोकड़ का के माध्यम से भुगतान किया, वेतन दिया या कच्चा माल खरीदा या अन्य किसी भी प्रकार के जो व्यय किए, वो रोकड़ के जाने के क्या हो गए, स्रोत हो गए। तो इस प्रकार से रोकड़ का आगमन और रोकड़ का बहिर्गमन, इस प्रवाह को जानना जो है वो कहलाता है रोकड़ प्रवाह विवरण। इसके जो उद्देश्य हैं वो है, नंबर एक, रोकड़ की स्थिति का विश्लेषण। इसके माध्यम से जो है हम रोकड़ शेष कम क्यों है या अधिक, इसका विश्लेषण जो है रोकड़ के आगमन के स्रोत व रोकड़ के प्रयोग के स्रोत को देखकर समझा जा सकता है। एक संस्था में रोकड़ की स्थिति किस प्रकार की है, कम है या ज्यादा, रोकड़ प्रवाह के माध्यम से जो है उसका विश्लेषण करके हम यह जान सकते हैं कि किन कारणों से कम है या किन कारणों से उसका बहिर्गमन अधिक है। तो इस विश्लेषण से हम ये समझ सकते हैं कि रोकड़ के आगमन के स्रोत किस प्रकार के हैं और रोकड़ का जो प्रयोग हो रहा है उसके स्रोत किस प्रकार के हैं, तो इससे हम विश्लेषित कर सकते हैं। दूसरा है रोकड़ नियोजन। इसके अंतर्गत जो है रोकड़ का नियोजन किया जाता है। यदि संस्था के पास रोकड़ आधिक्य में है तो उसके वैकल्पिक प्रयोग के बारे में विचार किया जाता है। यदि संस्था के पास रोकड़ के आगमन के स्रोत ज्यादा है, रोकड़ ज्यादा है और बहिर्गमन के स्रोत कम है, तो ऐसी स्थिति में उस आधिक्य का प्रयोग जो है हम उसको कहाँ पर और प्रयोग कर सकते हैं उसके बारे में हम विचार कर सकते हैं। और यदि रोकड़ की कमी है तो उसको पूरा करने के लिए जो है मितव्ययी स्रोतों से उसकी व्यवस्था के लिए पूर्व नियोजन कर सकते हैं। यदि आगमन कम है और उसका बहिर्गमन अधिक है तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ ये देख सकते हैं कि बहिर्गमन जो हो रही है, जो आपकी रोकड़ जा रही है, वो कहीं ऐसा तो नहीं बहुत अधिक मात्रा में अननेसेसरी व्यय यहाँ पर हो रहा है, तो उसको हम वहाँ पर प्लानिंग कर सकते हैं, नियोजित कर सकते हैं। तो रोकड़ का हम नियोजन कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं उसकी। फिर नीतियों का निर्माण, रोकड़ प्रवाह विवरण के अंतर्गत जो है हम अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन नीतियों का निर्माण करते हैं। फिर तरलता की जांच, रोकड़ प्रवाह के माध्यम से जो है व्यवसाय के जो विभिन्न लेनदार हैं, बैंक एवं विभिन्न वित्तीय संस्थाएं जो है व्यवसाय को ऋण देने के लिए उसकी तरलता की जांच करते हैं। अर्थात रोकड़ प्रवाह के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त होती है कि रोकड़ किन स्रोतों से आ रही है और किन स्रोतों पर जा रही है। तो ये विश्लेषण देखकर जो है व्यवसाय के जो विभिन्न लेनदार हैं, जिन्होंने अपनी पूंजी लगा रखी है या उस व्यवसाय में लगाना चाहते हैं, विभिन्न बैंकिंग और वित्तीय संस्थाएं जो उसको ऋण देना चाहते हैं, उसकी तरलता की जांच कर सकते हैं कि उसकी भुगतान क्षमता किस प्रकार की, तरलता की जांच। फिर भावी रोकड़ बहाव का अनुमान, ऐतिहासिक समंकों के आधार पर जो है, पुराने आंकड़ों के आधार पर रोकड़ प्रवाह विवरण के द्वारा जो है रोकड़ के स्रोतों का इससे ज्ञान हो जाता है और उससे प्रभावित रोकड़ की राशि एवं समय की सूचना से भावी रोकड़ प्रवाह विवरण जो है हम बना सकते हैं। अर्थात गत वर्ष के आंकड़ों के आधार पर जो है, गत वर्ष के जो रोकड़ के स्रोत के आंकड़े हैं उनके आधार पर जो है हम भविष्य में अपना रोकड़ व्यवाही जो बहाव विवरण है उसको हम तैयार कर सकते हैं। तो ये रोकड़ प्रवाह विवरण के जो उद्देश्य हैं। इसके बाद दूसरा जो है वो कोष प्रवाह विवरण, ये क्या है। कोष प्रवाह विवरण जो है एक ऐसा विवरण है जो दो चिट्ठों की तिथियों के मध्य वित्तीय स्थिति में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है कि कहां से प्राप्त और कहां गया। विवरण के माध्यम से किस स्रोतों से व्यवसाय ने कोष या फंड प्राप्त किया है और इसका प्रयोग किस कोष या फंड में किया गया। ये कोषों या फंड से संबंधित जानकारी को बताता है कि किन स्रोतों से कोष प्राप्त हुआ और किन स्रोतों से कोष या फंड की राशि का उपयोग किया गया। यहाँ पर जो है कोष या फंड जो है उसका तात्पर्य किससे है, वो कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी क्या है, ये चालू संपत्ति का चालू दायित्वों पर आधिक्य जो है वो कार्यशील पूंजी को बताता है। अर्थात कार्यशील पूंजी क्या कहलाती, कार्यशील पूंजी जो चालू संपत्ति का चालू दायित्व पर आधिक्य है वो क्या कहलाती, कार्यशील पूंजी। चालू संपत्ति में क्या कहा जाता है, जैसे कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, प्राप्य बिल, डेबिटर हो गए, देनदार,
स्टॉक या स्कंद हो गया, पूर्वदत्त व्यय व अल्पकालीन विनियोग शामिल हैं, ये कहलाते हैं चालू संपत्ति। तो परीक्षा में भी पूछा जा सकता है कि चालू संपत्ति से क्या आशा है, तो चालू संपत्ति वे संपत्तियां जैसे कि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्राप्य बिल हो गए, बिल्स रिसीवेबल, डेबिटर्स देनदार हो गए, स्टॉक हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस पूर्वदत्त व्यय और अल्पकालीन विनियोग कम समय के लिए जो हमने राशि विनियोग की हुई है, तो वो चालू संपत्ति। जबकि चालू दायित्व क्या है, ये इसमें आते हैं लेनदार, क्रेडिटर्स, दे बिल, पे बिल और बैंक, अधिविकर्ष ओवरड्राफ्ट, अदत्त व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और अल्पकालीन दायित्व को शामिल करते हैं। तो चालू दायित्व क्या है, चालू दायित्व वे दायित्व हैं जैसे कि लेनदार हो गए, दे बिल हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, अधिविकर्ष, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो व्यय अभी चुकाए जाने, इनका भुगतान किया जाना बाकी है, ऐसे व्यय जिनका भुगतान किया जाना भी बाकी है, और अन्य जो शॉर्ट टर्म पीरियड की लाइबिलिटीज हैं वो इसमें सम्मिलित होती है। अतः किसी व्यवहार के कारण चालू संपत्ति व चालू दायित्व में परिवर्तन हो तो कार्यशील पूंजी में भी परिवर्तन होगा, अर्थात कोष जो है यहाँ पर प्रवाह होगा। तो ये कहलाता है कोष प्रवाह विवरण, अर्थात यहाँ पर जो है कोषों की जानकारी प्राप्त की जाती है कि कोष या फंड किन स्रोतों से आए और किन फंडों में यहाँ पर प्रयोग किया गया, तो ये कोष प्रवाह विवरण। अब यहाँ पर जो है एक उपक्रम में किसी व्यवहार के कारण चालू संपत्ति में वृद्धि व चालू दायित्वों में कमी होती है तो क्या होता है, कार्यशील पूंजी में वृद्धि होती है। यदि चालू संपत्तियां अधिक हैं और चालू दायित्व कम है तो इसका मतलब साफ है कि हमारे पास जो वर्किंग कैपिटल है वो क्या है, अधिक मात्रा में है, उसमें वृद्धि हो रही है। अब इसी के विपरीत जब हमारे पास चालू संपत्तियों में कमी हो और चालू दायित्वों में वृद्धि हो, अर्थात यहां पर लेनदार ज्यादा हो, बिल से जो हमें भुगतान करने हैं वो ज्यादा है, ओवरड्राफ्ट ज्यादा है, अदत्त व्यय हमारे ज्यादा हैं और उसकी तुलना में जो है चालू संपत्ति क्या है, कम है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, हमारे पास वर्किंग कैपिटल की जो क्या होगी, कमी होती है। तो ऐसी स्थिति में वर्किंग कैपिटल जो कार्यशील पूंजी है वो कम होगी। तो प्रवाह का जो अर्थ है जो है परिवर्तन से, अर्थात व्यवसाय में कोषों के आने व जाने से है। तो उपयुक्त आधार पर हम देखते हैं जब किसी व्यवसायिक व्यवहार या लेन देन के एक पक्ष में चालू संपत्तियां या चालू दायित्व प्रभावित होते हैं तो दूसरी ओर गैर चालू संपत्तियां स्थायी संपत्तियां जिनको हम कहेंगे, या गैर चालू दायित्व जो है स्थायी दायित्व क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो ये क्या है, कोष प्रवाह माना जाएगा, जिसके कारण कोष जो है अर्थात कार्यशील पूंजी क्या होगी, प्रभावित होगी। तो इस प्रकार के जो व्यवहार का अध्ययन जो है वो कोष प्रवाह विवरण में किया जाता है, ये कहलाता है कोष प्रवाह विवरण। अंतर हम देखते हैं रोकड़ प्रवाह विवरण में और कोष प्रवाह विवरण में। आशय नंबर एक, रोकड़ प्रवाह विवरण जो है वो रोकड़ व रोकड़ तुल्य के अंतर प्रवाह व बाह्य प्रवाह को एक निर्धारित अवधि में दिखाता है। रोकड़ प्रवाह विवरण जो है रोकड़ या रोकड़ तुल्य जो संपत्तियां हैं उनके अंदर के प्रवाह और बाहरी प्रवाह को एक निर्धारित निश्चित अवधि में दिखाता है, जबकि कोष प्रवाह विवरण जो है वो वित्तीय वर्षों में हुए वित्तीय स्थिति के परिवर्तनों को दर्शाता है। फिर बनाने का उद्देश्य लेखांकन वर्ष के प्रारंभ व अंत में रोकड़ में हुए परिवर्तनों के कारणों को यह दर्शाता है, अर्थात लेखांकन वर्ष के प्रारंभ में जो है और अंत में रोकड़ में क्या परिवर्तन हुआ इसको बताता है, जबकि ये जो है लेखांकन वर्ष के मध्य वित्तीय स्थिति में हुए परिवर्तनों के कारणों को बताता है। फिर नंबर तीन, लेखांकन का जो आधार है लेखांकन के रोकड़ आधार पर ये आधारित है, जबकि ये लेखांकन के उपार्जन आधार पर आधारित है। फिर प्रकटीकरण, रोकड़ के अंतर प्रवाह वह बाहर प्रवाह का जो है ये
प्रकट करता है, उसको स्पष्ट करता है, और कोष के स्रोत व प्रयोगों का यह प्रकटीकरण करता है कि कोष कहाँ से प्राप्त हो रहा है, उनका प्रयोग किस प्रकार से हो रहा है। और अंतिम जो है रोकड़ का जो है प्रारंभिक व अंतिम शेष, ये जो है विवरण रोकड़ व रोकड़ तुल्य की प्रारंभिक व अंतिम शेष को बताता है कि प्रारंभ में रोकड़ या रोकड़ तुल्य जो राशि है वो कितनी थी और अंत में कितनी है। ये विवरण जो है कोष प्रवाह रोकड़ व रोकड़ तुल्य के प्रारंभिक व अंतिम शेष को नहीं बताता। कोष प्रवाह विवरण जो है वो रोकड़ या रोकड़ तुल्य के प्रारंभिक व अंतिम शेष को नहीं बताता। तो ये रोकड़ प्रवाह विवरण और कोष प्रवाह विवरण में अंतर। एक क्वेश्चन और इसमें, कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की अनुसूची से आशय, यदि कार्यशील पूंजी में परिवर्तन होता है तो उससे क्या आशय है। तो कार्यशील पूंजी में कमी या वृद्धि का निर्धारण करने के लिए कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की अनुसूची तैयार की जाती है कि किन कारणों से कार्यशील पूंजी में परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है। इस सूची के द्वारा जो है एक दृष्टि में चालू संपत्ति एवं चालू दायित्वों के मूल्य में हुए परिवर्तनों को समझा जा सकता है। इस सूची में संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्य चालू वर्ष के साथ साथ पिछले वर्ष के भी दिखाए जाते हैं। इससे चालू वर्ष की संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्यों में गत वर्ष की तुलना में क्या परिवर्तन हुए हैं इसे हम आसानी से जान सकते हैं व समझ सकते हैं। तो कार्यशील पूंजी में जो परिवर्तन की अनुसूची है उससे जो यहाँ पर क्या आशा है ये हमने देखा। अभ्यास प्रश्न, रोकड़ प्रवाह विवरण से क्या आशा है समझाइए। रोकड़ प्रवाह विवरण के प्रमुख उद्देश्यों को समझाइए। तीसरा, कोष प्रवाह विवरण क्या है। कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की अनुसूची से क्या आशा है समझाइए। और अंतिम जो है रोकड़ प्रवाह विवरण वर कोष प्रवाह विवरण में प्रमुख अंतरों को समझाइए।